अपने वक्तव्य को प्रारंभ कर रहा हूं पुनः एक बार उसी देवी के बयान से कि जो उन्होंने कहा कि हमें आजादी तो चाहिए पर जिन्ना वाली। मैं बहुत दुखी भी हूं और क्रोधित भी। 47 में लेने के बाद फिर आजादी चाहिए तो बहुत सही कर रहे हैं कर्नल साहब के आप लट बाट रहे, यही वाली आजादी मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। और आप समझ लीजिए, आप सब समझ लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग सब काम करते हैं, बोलते भी हैं। अनिल भाई भी आए हैं, दीदी भी आई है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, भाई होने के नाते ही स्वागत कर रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जो काम 10 साल पहले होना चाहिए था वो आज तक भी नहीं हुआ, जो 10 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा, 10 साल पहले कल्पना करते किससे? क्या उस नेतृत्व से कल्पना करते जिसने कल्पात्रेय जी महाराज के हजारों लाखों साधुओं को, गायों को संसद के सामने मरवा दिया? उनसे कल्पना करते? तो मैं तो कल्पना उनसे नहीं कर सकता। समझ लीजिए आदरणीय के आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, और आन बान शान या के जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। मैं एक दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं, मैं वक्तव्य राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, मैं दिल से एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। भगवत ही मेरी साक्षी है, परमात्मा मेरा सुन रहा है। अब मैं सिर्फ अपने कमरे में बैठकर या तो कोई डिबेट में जाता हूं तो जरूर बोलता हूं, वरना अपने कमरे में बैठकर मैं मात्र बहुत दुखी और सुप्त स्थिति से गुजर रहा हूं कि ये मेरा देश समझ क्यों नहीं रहा है, सर्व सनातन धर्मी समझ क्यों नहीं रहे हैं, मठ मंदिरों में बैठे साधु समझ क्यों नहीं रहे हैं। कि अभी एक बहन जी सबसे पहले एक वक्तव्य देकर गई, ओम शांति ना दोस्त, अब ओम क्रांति, शांति से काम चलेगा। आप लोग समझ लो, आप लोग समझ लो कि शांति से काम चलेगा नहीं, और बाकी निर्णय आपका। और मैं अगर जो ये समझ रहा हूं कि मैं मंदिर में बैठा सुरक्षित हूं या मैं मंदिर में बैठा सेफ हूं, लूटूंगा पिटूंगा और मरूंगा मैं भी, ये याद रखना। ये निर्णय आप करो, ये निर्णय आप करो कि आप अभी भी अहिंसा परमो धर्म शांति करुणा धैर्य सत्यता ये सब भाषण सुनना चाहते हैं, देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, या अपने आप को उस गुड़िया के मुताबिक बोलूं तो अपने आप को तबाह होते स्वयं देखना चाहते हैं, ये निर्णय आप करो। आप सोचिए, सीएए का विरोध चल रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, सीएए का विरोध चल रहा है और बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। आज विवेकानंद जी की जयंती है, आप जानते हैं जब शिकागो से वापिस लौटे तो प्लेन की सीढ़ियों से नहीं उतरे, जंप कर कर धरती पर कूदे और माँ को चूम कर भावुक हो गए कि माँ तो माँ होती है। और आज उसी माँ के पास उसके कुछ पुत्र आए हैं, तो कुछ लोगों को इसमें भी विरोध, कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ। अगर जब वो यहां नहीं आएंगे, जाएंगे कहां, कौन सी धर्मशाला बनाई है उनके लिए? आज अपने लिए बोलने में मैं डरता क्यों हूं? आज अपनी बात कहने में मुझे संकोच क्यों होता है? मुझे क्यों संकोच होता है? वहां वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहां हिंदू रहेगा या नहीं रहेगा, और यहां भी वही डिसाइड कर रहे हैं कि यहां हिंदू रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर जो सभी जगह उन्होंने डिसाइड करना है तो हम इस दुनिया में करने क्या हैं? हम मौन दृष्टा बने देख रहे हैं। मात्र टीपी त्यागी जी ने कही थी, मैं उसको समर्थन करता हूं, हर कोई चाहता है, शायद शैलेंद्र भाई ने कही थी कि भगत सिंह पैदा हो मगर सामने वाले के नाम मत बनो भगत सिंह, बस इतना बता दो कि 10 साल बाद कहां रहोगे, कौन सा देश चुना है, बस इतना बताओ। पैसा है तो ही देश चुनना, और अगर जो पैसा नहीं है तो तुम छोड़ दीजिए दुनिया के किसी कोने में रहने की, आपको अगर जो कोई सड़े से सड़ा देश वीजा भी देते तो आप मेरा नाम बदल दें। कहां रहोगे ये बताओ, कौन सा देश तुम्हें शरण देगा? भारत है, धर्मशाला बना कर रखा कि आओ रहो आओ रहो आओ रहो। ये कैसा भारत, ऐसा ही भारत था क्या? हम जागेंगे कब, जागेंगे कब? वो बोले कि जब कोई अपराध होता है तब पुलिस आती है, और कितना अपराध देखना बाकी है और कितना मरना बाकी है, कितना, अपने आप से प्रश्न पूछो।
मेरे वक्तव्य को मात्र सुनकर यहां से जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि कितना मरोगे। अरे पागलपन की इंतहा होती है, कितने मरोगे। मेरे 106 साल के गुरुजी रोज बैठ करके मुझसे कहते हैं कि पूछ कि लड़ाई सीही एक ही है तो मेरा मंदिर क्यों तोड़ा, हनुमान जी ने मेरे पास किया। यार एनआरसी ना हुई, देवकी का आठवा पुत्र हो गया कि पैदा हुआ नहीं और भय पहले हद हो गया। मेरा निवेदन है तुमसे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि दुखी हूं, ऐसे ही चले कटे शब्द बोलूंगा, मुझे माफ करना, मगर इतना कहना चाहता हूं जागो के कब सिर्फ अपने आप से इतना पूछना अपने आप से इतना, और अगर जो नहीं पूछा तो भगवती साक्षी है पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। जय श्री राम। श्री जय।